राजधानी दिल्ली में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब दिल्ली वेज एवं नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन के सहयोग से वुमन प्रेस्टीज अवार्ड 2023 नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कर मुकाम हासिल कर चुकी महिलाओं को सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब दिल्ली वेज एवं नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम। देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है और इस समय समाज के विकास में, राष्ट्रीय के उत्थान में महिलाएं हर क्षेत्र में जिस तरह से योगदान दे रही है, इसलिए उनका सम्मान करना ये समाज का कर्तव्य है, दायित्व है। और लायंस क्लब दिल्ली वेज ने इस दायित्व को बखूबी निभाया है। हमारी महिला आज शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, समाज सेवा का हो, हर क्षेत्र के अंदर वो कामयाबी के नए नए कीर्तिमान गढ़ रही है। और इसी कालखंड में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, एक तो सूचना के कारण से अपराध की जानकारी भी मिलती है, पहले नहीं मिला करती थी, किंतु उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। लॉयंस क्लब दिल्ली वेज और नारी शक्ति नई पहल की एसोसिएशन में ये प्रोग्राम किया जा रहा है दिल्ली के हंसराज कॉलेज में, और ये हर वर्ष किया जाता है। पूरे देश भर से 150 से 200 महिलाओं को यहाँ पे अवार्ड देकर के सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। 100% योगदान देते हैं। कोई भी अगर समाज में किसी को भी अवार्ड मिलता है तो उससे इंस्पायर्ड होके और सराउंडिंग के लोग बहुत अपनी महिलाएं इंस्पायर्ड होती है और आगे बढ़ती है। और आज की तारीख में अगर एक महिला सशक्त होगी और स्ट्रांग होगी, ताकतवर होगी और समझदार होगी, तो अपने परिवार को, अपने समाज को आगे लेके जाने में सपोर्ट कर पाएगी। और क्योंकि महिला और नर और नारी, जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और नारी में जो ताकत है, अपने जितनी दुर्गा की ताकत है, जितनी भी ताकत है, नर भी अकेला अधूरा है जब तक कि नारी की उसको ताकत ना मिल पाए। तो ये अवार्ड अगर मिलते रहते हैं तो आज समाज में एक ताकत जाती है, एक स्ट्रेंथन जाती है, बाकी जो समाज है वो भी इनको देख के इंस्पायर्ड होता है, वो भी आगे बढ़ता है। तो ग्रेट, ये होने चाहिए प्रोग्राम। तो लॉयंस क्लब वेज और ये प्रोग्राम हंसराज कॉलेज, जिन्होंने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और इतनी महिलाएं आ रही हैं, जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है और आगे बढ़ के इंस्पायर होकर कुछ कर रही हैं, उन सबको धन्यवाद, ताकि ये इस तरह से प्रोग्राम करते रहें और इस तरह से लोग इंस्पायर्ड होकर करते रहें काम। थैंक यू। उन युवा पीढ़ियों के लिए और उनके खासकर माता पिता के लिए ये संदेश होगा कि युवा पीढ़ी में जो सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन प्रोवाइड करा सकते हैं वो उनके पेरेंट्स ही करा सकते हैं। जितनी सिक्योरिटी हम अपने डॉटर को बचाने में लगाते हैं, जितना हम सेफ्टी उनको बचाने में लगाते हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी अगर हम बेटों को थोड़े से संस्कार और वैल्यूज़ देने में लगा दें तो मुझे लगता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी और युवा पीढ़ी तब कोई डर महसूस नहीं करेगी। जो थॉट एक ब्रदर अपनी घर में अपनी सिस्टर के लिए रखता है, वही थॉट अगर वो बाहर सड़क पे भी रखे दूसरों की सिस्टर्स के लिए, तो मुझे लगता है युवा पीढ़ी तब बहुत खुशी से और बहुत सम्मान से बाहर निकल सकती है। थैंक यू।